हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, सुमन पांडे ब्लॉग मेरा चैनल है। तो आइए चलते हैं, आज है फूलगोभी और आलू की रेसिपी। यह देखिए, मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं। इसमें अदरक है, लहसुन है और जीरा है पीस लिए। यह देखिए, मैंने कढ़ाई में मिट्टी लगा दिया है और यह चूल्हे मैंने सुलगा दिए हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरा चूल्हा, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा चूल्हा गंदा पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो मैंने चूल्हे का रिपेयरिंग किया था, ये भी आपने देखा ही है। तो देखिए, मेरा चूल्हा बन गया और मैं कढ़ाई को चढ़ा दिया है। आँच देखिए कितनी तेज़ी से लहक रही है। और तेल इसमें मैंने डाल दिया है, तेल तो गर्म हो रही है। 2 मिनट के बाद इसमें मैं फ़ोरन डालूंगी। ये देखिए, मैंने डाल दिया है फ़ोरन को। और जब तक ये चटकती नहीं है, तब तक मैं इसमें आलू और फूलगोभी नहीं दूंगी। चटक जाएगी अच्छी तरह से। देखिए, मैं इसे चला देती हूँ ताकि ये ढंग से चटक जाए। तेज़ तो भाई बहुत, काफ़ी तेज़ है आँच। ये देखिए, वो चटक रही है, भाई धुआं जब होता है तो मेरी आंखों को तकलीफ़ होती है, पर क्या करूं। ये देखिए, मैंने मसाला जो आपको पीस रही थी वो अब पीस कर मैंने प्लेट में रख लिया है। और अब देखिए, अब मैं आलू और फूलगोभी दोनों को इसमें डाल रही हूँ। और डालकर मैं अब इसे देखिए पूरी तरह से, मैंने जितने भी सब्ज़ी मैंने पहले से ही धोकर रखे थे, तो सारे सब्ज़ी मैं इसमें डाल दी। अब देखिए, इसे मैं चला देती हूँ अच्छी तरह से ताकि ये ढंग से ये आप देख ही रहे हैं। देखिए, मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और नमक को डाल करके मैं इसे चला रही हूँ ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। देखिए, बहुत लोग हैं जो कि नमक बाद में देते हैं, लेकिन मैंने नमक को पहले डाला है ताकि आलू और फूलगोभी में अच्छी तरह से ये रस इसका घुल जाए। अब देखिए, मैं इसमें सारे मसाले डालूँ। यह हल्दी है, मिर्च पाउडर मैंने डाल रही हूँ। देखिए, मिर्च पाउडर है और ये देखिए धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। देखिए, मैंने जितने भी मसाला पीसा था वो सारे इसमें मिक्स कर दी। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूंज रही हूँ, इसे जला रही हूँ ताकि ये अच्छी ढंग से मिल जाए। देखिए, ये कटा हुआ धनिया है जो कि मैंने धनिया इसमें डाल दिया है। धनिया को डालकर मैं इसे चला दी। अब देखिए, ये अच्छी तरह से भून गई। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी मैंने हिसाब से इसमें डाला है, ये मैं चला दिया। चलाने के बाद देखिए, इसे थोड़ी आँच कम हो गई, आँच दे देती हूँ। ये देखिए, आँच की पूरी तरह से तेज हो गई है। देखिए, सब्ज़ी देखिए हो गई है मेरी सब्ज़ी। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे उतार लिया है। अब मैं देखिए चावल चढ़ा रही हूँ। देखिए, सारे चावल को मैं इसमें अच्छी तरह से धो करके
डाल दिया हूँ ताकि मेरे चावल अच्छी तरह से बन जाए। देखिए चावल मेरी कड़क रही है। ये देखिए अच्छी तरह से ये खदक रही है, जिसे मैं चला देती हूँ। देखिए इसे मैंने ढक दिया है और आँच भी मैं अच्छी ढंग से दे देती हूँ। देखिए आँच बहुत तेज़ हो गई है, मेरी भात तो बन गई, आप देख सकते हैं। अब मैं थाली में इसे निकाल लेती हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, सब्ज़ी भात पर ही निपटारा हो जाता है, इसलिए आज मैंने सब्ज़ी भात ही बनाया है। ये देखिए एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं सब्जी निकाल कर लेती हूँ। भाई अब इसका स्वाद क्या हुआ है वो तो जब तक खाऊंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा। वैसे हो सकता है वीडियो बनाते बनाते मैंने नमक ही ना डाला हो या कोई और भी चूक हो गई होगी, कोई पता नहीं। लेकिन फिलहाल देखिए मैं खाना खा रही हूँ। भाई सब्जी तो बहुत अच्छा है, देखिए आप लोग भी आइए खाइए। जो है गरीब स्वागत करेंगे हम आपका।